हेलो, गुड मॉर्निंग। किचन में मैं आ चुकी हूँ। अच्छा, दूध छोटू गरम करके बाबा को दिया है। रोटी और आलू की भुजिया मेरी बन गई है, जिसको खाना खा के चल रहा है। अब मैं और छोटू बची हूँ। कढ़ाई में तेल है, भुजिया बनाया ना तो ऐसे इसमें पड़ा है। और मैं छोटू बच्ची हूँ तो हम लोग देखते हैं छोटू क्या खाएगा, उस हिसाब से बनाएंगे। ये दही है, दही बच्ची थी तो इसको फ्रिज में डाली है। ये मेरा दुपट्टा है, गिरा है नीचे, रूम में ही लेते चलते हैं। सूखा नहीं है। छोटू, छोटू से कहते हैं बाबू। धूप हुआ, कपड़े कुछ धूप में डालने के लिए उनको डाल दें इधर। अभी मच्छरदानी हमारी ऐसे ही, हमारे जो नवाब साहब लोग हैं, लाट साहब, उठ के चल देते हैं ऐसे छोड़ छाड़ के हमारे लिए। जब मैं किचन से खाली होती हूँ तो फिर ये सब काम करती हूँ। अभी बिस्तर, दो तीन जगह का बिस्तर सही करना, सारा सामान देखिए, चादर वगैरह किस तरीके से फैलाए हैं सारे बिस्तर पे, आपको दिखाएं। ये देखो, इसको फिर हमको सही करके लपेट के ऊपर रखते हैं ना। पहले एक बैग रखते थे, उसी में डाल देते थे, बैग टांग देते थे। अभी के टाइम पे बैग नहीं है मेरे पास, क्योंकि दो साल से, तीन साल से मैंने कोई शॉपिंग बाज़ार नहीं किया है, तो बैग मिला भी नहीं है। ये देखो, ये कंडीशन है बिस्तर की। तो फिर इधर भी कुछ ऐसे कपड़े लगा के रखे हैं फालतू में, इधर हर जगह कपड़े ही कपड़े हैं। ये बोर्ड है, चार्जर है, सब व्यवस्था करके छोटू सोता है। उसका फ़ोन चार्ज नहीं होता है ना, उसके फ़ोन का चार्ज खराब है, चार्ज पिन खराब है या क्या खराब है, चार्ज उठाता ही नहीं है, तो लगा ही रहता है। पैसे की थोड़ी शॉर्टेज है, उसको फ़ोन नहीं खरीद सकते हैं अभी, तो इसको सही वही कर ले, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो के मैं जग चुकी हूँ, सो गई थी आज, मैं बहुत सोई हूँ दोपहर में, दो घंटा लगातार। मुझको दोपहर की नींद दो घंटे नहीं आती है, बस आधा घंटा, मैं एक घंटे से आधे घंटे ज़्यादा नहीं सोती, लेकिन आज बहुत सोई हूँ। उठ के फिर झाड़ू वाड़ू निकाल रहे हैं, बहुत पिछड़ा हो गया था, नहीं पेड़ से पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो फिर सड़े सड़े से लगते हैं। इधर पानी लगा खाते हैं, सब निकाले हैं पानी, और ये बर्तन साफ किए। देव पानी मांगे पीने के लिए, देव पानी पीने वाला दिया है, पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, पानी पी ली हूँ मैं, अब चाय पियूँगी। इधर देव टी वी कराना तो यहाँ से हटना पड़ेगा। चाय ठंडी नहीं हो गई है जी, अभी छान लो। हमको लगा बर्तन धुल रहे थे तभी तुम पिए हो, रख दिए छान के। जब लाइट नहीं जल रही है, अब मैं रूम में आई हूँ तो लाइट जलाऊंगी, लाइट बंद है, लाइट और फैन दोनों बंद है। ये देखो लाइट जल गई, मैं पीऊंगी चाय। ये है चाय, ये है, मैं चिप्स भी दे दिया है दो चार। मौसम तो इतना बढ़िया हुआ है कि क्या बताऊं। चार चिप्स करने के बाद फिर अपनी माँ से बात करूँगी, सुबह से भी बात नहीं हुई है। सबसे ज़रूरी जीवन का यही काम है मेरे। चाय पी लूँ। कई दिन बाद चल रही हूँ छत पे, देखिए छत की सीढ़ियों का दशा। अभी लग पास में से दिखाऊँ ऐसे, एकदम ग्रीन कलर, ग्रीन जैसे होता है ना काही कलर, यही इसी को काही कलर बोलते हैं। अरे बात, तुम यहीं बैठे हो? ये पहले से यहाँ बैठे हैं हमारे साहब। कई दिन बाद आई हूँ छत पे, पता नहीं क्यों ऐसे सारी छत हरी हरी हो गई है,
देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ना ये पेड़ की वजह से, पेड़ के जो पत्ते से पानी गिरता है। सबकी छत पे ऐसा नहीं हुआ है, पीछे आम का पेड़ है, कितना बढ़िया इसमें पत्ते निकले हैं। अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे आके एकांत में सुकून में बैठना। मैं छत पे बैठी हूँ, घर फोटो बैठा घर में बैठी हूँ, कोने पे बादल बहुत काले काले लगे हैं, घने घने एकदम से, और हवा भी हल्का फुल्का चल रही है, लग रहा है बादल कट जाएंगे। दोपहर में तो बहुत अच्छी बारिश हुई, कुछ काट रहा है चींटी के जैसे, मुझको पता नहीं क्या काट रहा। इसमें से चींटी नहीं आई है, आम के पेड़ पर रहता है ना। दिखाऊं बैक कैमरे से आप लोगों को, ये मच्छर भी आ गए। कितना बढ़िया बढ़िया लग रहा है, चलते हैं नीचे। शाम हो गई है, नहाना धोना पूजा पाठ करना पड़ेगा, तो मैं उसको नीचे चलूँ और फिर वीडियो भी टाइम से एडिट करवा दूँ। टाइम से चली जाती है तो थोड़े व्यूज़ आ जाते हैं, नहीं तो फिर वही होता है। तो मैं बहुत बचा बचा के नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मेरी पूरी सीढ़ियाँ एकदम बेकार हो चुकी हैं, अगर मैं गिरूँगी तो फिर मेरे दांतों तो टूट ही जाएंगे। वीडियो सीढ़ी बन चुकी, तो इसके लिए आगे की वीडियो अच्छी जाए तो मुझे संभल के चलना है, नहीं तो मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगी कि वीडियो बनाने के लिए गई और छत से नीचे चली आई। सुरक्षित है, नीचे तक आ चुकी हूँ। चंगू मंगू मेरे हैं, नहाए नहीं ना हो। शाम हो चुकी है, देखिए लाइट चारों तरफ जल गई है, ऊपर भी बल्ब जल रहा है। अभी 6 बज रहा है, इतना अंधेरा बादल की वजह से हो गया है। तो अब मैं वीडियो को करूँगी समाप्त, क्योंकि मेरा टाइम नहाने धोने शाम का पूजा भी करूँगी। देखती हूँ देव कर देगा तो फिर कर देगा, नहीं तो मुझको ही करना है। नहा लूँ फिर खाना बनाऊँ। खाना बनाने में कभी कभी मन ही नहीं करता क्या बनाए क्या ना बनाए, वही समस्या है। बच्चों को कुछ और चाहिए, बड़ों को कुछ और चाहिए, बनाने वाला तो यही सोचता रह जाता है कि क्या बनाए कि दोनों पार्टी बढ़िया से खा ले। वीडियो आप लोग बहुत ही कम देख रहे हैं, अगर ऐसे ही वीडियो देखेंगे तो मेरा क्या होगा मैं नहीं जानती हूँ। बताइए आप लोग, 6 मतलब कभी 20, 25, 30, 40 मतलब 100 से ज़्यादा कभी जाता ही नहीं है। 2-3 दिन में भले 150-200 चला जाए, बाकी है ये नहीं है कि मतलब तुरंत डालो और तुरंत वीडियो को मेरे देख लिया जाए तो अच्छा लगेगा ना। ऐसे मेहनत हम कर ही रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर तो मेरे बढ़िया से बढ़ते हैं, देख ही रहे होंगे आप लोग। लेकिन मच्छर आ गया, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं
जब इस पे हाथ रख ली हूँ, पकड़ ली हूँ यूट्यूब को, तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, करूँगी। आप लोग वीडियो देखें या ना देखें, ये आप लोगों की मर्जी है, सोच है। लेकिन अगर चाहते हैं कि मेरी जगह हसाई ना हो, तो आप लोग वीडियो देख लिया करें। और इसका जो प्रचार आता है उसको तो ज़रूर देखें, प्रचार का ही जो ऐड आता है उसी का जो भी मिलता जुलता है। अभी तक मुझको एक पैसे नहीं मिले। लोग कहते हैं कि ना पवनी, के आज एक गांव की आई थी, पूछ रही थी, ए दीदी पैसा मिले लगल आपके? हम कहे हाँ पैसा मिलने लगा। क्या बताऊँ क्या बताऊँ, बताएं आप लोग, कुछ नहीं कह पाती हूँ। तो इस तरीके से वीडियो देखेंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं जब मेरे हाथ में भी 2-4 रुपए आने लगेंगे यूट्यूब की तरफ से। तो वीडियो देख लिया करिए प्लीज़। बाय।